हेलो वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज चुके हैं, सुबह के बज गए 6 और अभी मैंने अपना मतलब ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं किया, बस हल्का सा ही किया है। और ये देखो मैंने वो वाले इयररिंग्स पहन लिए, चूड़ियाँ, साड़ी अभी आपने देख ही ली होगी स्टार्टिंग में मेरी। मैं फिर भी एक बार दिखाती हूँ, एकदम पकड़ना संजय से। तो मैंने तैयार हो गई ना, तो मैंने इस वाले हाथ पे पहले लगा ली थी, तो ये तो डार्क है। चलो, और इस वाले हाथ पे मैंने रात में लगाई थी, तो अभी चढ़ी नहीं है, अभी उतारी है मैंने उठ के। अपना ही बोलते रहते हो बीच में, एक मिनट सर करो। कहनी 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 मैंने इस वाले हाथ में लगवा ली थी पहले, कल शाम को, हाँ तकरीबन कल शाम को लगा ली थी मैंने ये। और ये वाले हाथ में मैंने रात में लगवाई है करीबन 1 बजे, तो अभी तो 6 बजे, तो अभी अभी तो बैक साइड पे अभी लगवानी बाकी है, तो पूरा दिन है। खैर पूरे दिन में मैं लगवा लूँगी, टाइम पास नहीं होगा। नेल पेंट के नाम पे ना यहाँ पे सिर्फ हल्का सा नेल पेंट छूट गया है। मैंने लगा के देखा था कैसा लग रहा, फिर मैंने रिमूव किया, और अभी मेरे पास सुबह टाइम नहीं था, हम लोग उठे ही लेट हैं तो इस वजह से। और बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ठीक है, अभी फ़िलहाल व्रत हो चुका है स्टार्ट, आप लोगों का कैसे गया? मेरा तो अभी स्टार्ट हुआ है, बताती हूँ फिर मैं, फिर बता आगे अब और क्या क्या कर रही हूँ पूरे दिन में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, बाय। मुझे साड़ी अपनी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि मनराज बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, रो रहा था काफ़ी, क्योंकि चुभ रही थी वो, वर्क काफ़ी है तो काफ़ी हैवी साड़ी है, उसे खुद भी नहीं संभाली जा रही थी, तो मुझे सूट पहनना पड़ा हल्का। अरे मनराज के, मैंने जैसे आप सबको बताया था कि मुझे मनराज से, जैसे मनराज कहेगा उस हिसाब से चलना पड़ेगा। और एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो उस दिन जो मैंने आप लोगों को इयररिंग्स दिखाए थे, मेरे कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना कमेंट करके। और अभी मेरा मनराज बहुत रो रहा था क्योंकि मम्मी नहीं उठा रहा था, है ना, मेरी गुड्डू को मम्मा नहीं उठा रहा था, नहीं उठा रहा था मम्मा, तो काफ़ी रो रहा था। सॉरी यार, मैंने पूरा दिन सोचा था मैं साड़ी पहन लूँगी, पर मनराज की वजह से नहीं पहन पाऊँगी, मुझे ये सूट पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैंने सुबह जल्दी जल्दी से सब कुछ पहना करा, फिर फिलहाल मैंने अभी कोई मेकअप खास नहीं किया, जो होता है सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, इयररिंग्स और ये सब चीज़ें यही सिर्फ पहनी हो रही है और कुछ भी नहीं, क्योंकि सुबह सिर्फ हल्की सी पूजा करके सिर्फ नाश मतलब ब्रेकफास्ट जो करना होता है वही करना होता है ना, तो हमारे में ऐसा होता है, बाकी सब में अलग अलग होता होगा जिस हिसाब से भी होता होगा, मेरे हमारे में ऐसा ही होता है फिलहाल, और अच्छा भी होता है छुटकूचा। तो ठीक है, आगे और दिखाती हूँ क्या कुछ करती हूँ। आज का दिन मनराज के साथ मेरा पहला करवा चौथ है, देखते कैसे चाहता है। स्माइल दे रही है मेरे बुच्चू। तो यार मैं सो गई थी, मनराज के पापा ने मुझे सुला दिया था, मैं 8:30 बजे सोई थी और मैं अभी उठी 12:45 बजे, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, नींद भी आई थी और भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी, तो फिर मनराज के पापा कह रहे तुम सो जाओ तो सही रहेगा, वरना भूख भूख चिल्लाती रहेगी तो तुम सो जाओ। मैं सो गई यार, पता ही नहीं चला मेरी आँख कब लग गई, रात भी मैं 2 बजे सोई थी, सुबह उठ गई थी
5 बजे के आसपास, 4:45 बजे मैं उठ गई थी फिर, तो फिर मेरे को नींद आ रही थी, मैं सो गई जल्दी से। अब यूट्यूब पता है पूरा कमरा बिखरा पड़ा है, मैं दिखाती हूँ। हालत देख रहे हो क्या हो रही है, नीचे भी सारा फैला हुआ है, मतलब मिट्टी विट्टी ये वो सब हो रखी है, लिपस्टिक विपस्टिक सब। और मैंने अभी बस ऐसे किया और कुछ नहीं किया, मतलब ये मत सोचना कि मैंने व्रत तोड़ लिया या कुछ खा लिया, ना ना ना, मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने यहाँ तक कि उठकर ऐसे क्या बोलते हैं, कुल्ला भी नहीं किया मैंने। तो ठीक है यार, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और जल्दी से अपना काम निप, चक्कर आ रहे हैं मुझे भूख लगी है एक्चुअली, बताए तो मुझे आ रहे हैं चक्कर, मैं जल्दी से अपना काम निपटाऊं। और मनराज भी रो रो के उसने हालत खराब कर रखी है अपनी भी, हमारी तो करी करी। और मैंने वो इयररिंग्स इसलिए चेंज कर ली होगी, बहुत ज्यादा हैवी हो रहे थे, और मेरा ये वाला कान जो है ना ये दर्द होने लग गया, बहुत ही दर्द हो रहा था, तो मैंने इसलिए अभी फिलहाल चेंज कर लिया। अभी थोड़ी देर में फिर दोबारा से मैं करूँगी, पहन लूँगी थोड़ी देर में अभी। तो ठीक है यार, मैं काम निपटाती हूँ। ठीक, साड़ी तो पॉसिबल हो नहीं पा रही है, सॉरी आवाज़ में दिक्कत हो रही है, मैं कह रही हूँ साड़ी तो पॉसिबल हो नहीं पा रही है पहननी, तो जो मैंने सूट स्टिच करवाया था वही वाला पहनूंगी, साड़ी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिलहाल खत्म, कमरे में काफी देख सकते हो सफाई, इधर की तरफ नहीं दिखाऊंगी, इधर मंडरा भी पॉटी कर। तो यहाँ पे मैंने ना ये वाला जो मैंने यहाँ पे टेबल रख दिया है, अब यहीं पर जो है हम पूजा करूंगी, मेरे साथ साथ वाली भाभी आएंगी, मैं हमेशा अकेली करती हूँ, इस बार पहली बार वो आएंगी, तो करते हैं फिर फिलहाल पूजा। और अभी इधर का भी दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा, वैसे तो मैंने आपको थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, ये मैंने सोफे के ऊपर सोफा रख दिया है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए नहीं मैंने आती, सोफे पे, नहीं आती। एक मिनट अपने बोलते रहते हैं, तो ये सोफे के ऊपर मैंने सोफा रख दिया है। अभी उधर की तरफ सफाई हो चुकी है, मैं भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने दिखाया था मैं इधर भी दिखा देती हूँ, यहाँ होगी है सफाई। ए आए अब कर रखा है इसने व्रत, आए टाइम क्या टाइम, मैं उससे टाइम पूछ रही हूँ, और जबकि मोबाइल और मनराज खेली खेली कर रहा है, टाइम क्या हुआ है, टाइम हो रहे हैं 2:15, यहाँ 2:15 हो रहे हैं, तो टाइम हो रहा है 2:15,
तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देती हूँ मैं, थक गई हूँ। मैंने नेल पेंट अभी भी नहीं अप्लाई किया, मेरे को नेल पेंट भी लगाना है अभी। नेल पेंट लगाती हूँ अभी, कपड़े प्रेस करने हैं, कपड़े प्रेस करती हूँ। और तू क्या करेगी, पुर पुर ये बुढ़ो की तरह चाय पीती करके, फिर पी के दिखाई है ना। वो देखो वो लगा मनराज उसका पंगेबाजी लेने। अभी वो जैसे चाय लेकर आई उसको तीते लात मारी है उसने, वो देखो अभी भी मार रहा। मार खाएगा यार बिंदी मेरी फिर से ना, अभी मैंने लगा रखी थी लेकिन बिंदी खिसक गई, मैंने फेस वॉश किया तो बिंदी खिसक गई मेरी। अभी प्लीज इस पे कुछ भी कमेंट मत करना फालतू का कि करवा चौथ है, ये नहीं करा वो नहीं करा, तो प्लीज इस पे फालतू के कमेंट्स मत कर दीजिएगा। बिंदी मैंने लगाई थी, उतर गई है किसी वजह से, मुंह साफ किया तो उतर गई है। अभी मैं फिर दोबारा से लाऊंगी, अभी जब मैं प्रॉपर तैयार होंगी ना फिर पता चलेगा कि कैसी लग रही हूँ। ठीक है, तो फिलहाल अब मैं रख रही हूँ, और रख रही हूँ फोन। मैं ऐसे सोच रही हूँ जैसे मैं आप लोगों से बात ही कर रही हूँ डायरेक्ट ये फोन देख मिला ले, के। ये देख ले। अरे लड़ाइयाँ हो गई, लड़ाइयाँ वहां पे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं डायरेक्ट आप लोगों से फोन पे बात कर रही हूँ, तो खैर उस चीज को इग्नोर करती हूँ। तो मैं अभी फिलहाल कर रही हूँ यहीं पे व्लॉग कट। टेंशन मत लो, पूजा वूजा सब दिखाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा आगे चल रही है, देखिए मैं कैसे पूजा कर रही हूँ, हमारे यहाँ पे कैसे पूजा होती है। सबके यहाँ पे अलग अलग तरीके से पूजा होती है, हमारे यहाँ पे अलग तरीके से होती है। और देख सकते हो जो मैंने सुबह मेहंदी दिखाई थी, और ये देखो, और ये तो मैंने बाद में लगवाई थी 8 बजे के आसपास लगवाई थी ये मैंने, अभी भी देखो यहाँ पे लगी हुई है थोड़ी बहुत। तो ये देखो, और 1 मिनट, ये देखो कैसी लग रही है। मनराज के पापा का प्यार थोड़ा कम हो गया, वैसे ज्यादा होता था, इससे ज्यादा होता था, पता नहीं कम हो गया। चलो कुछ नहीं होता, है तो ना, फिर भी है तो थोड़ा बहुत तो है ना। तो ठीक है, फिलहाल अभी मैं रख रही हूँ और करती हूँ जल्दी से पूजा की तैयारी, और फिर देखिएगा कि मैं पूजा कैसे कर रही हूँ। बाय बाय। तो मैं तकरीबन हो चुकी हूँ तैयार, और यहाँ पे माता जी के लिए यहाँ पे टेबल वेबल सब तैयार हो चुकी है, और फिलहाल फुल ड्रेस तो मैं अभी नहीं दिखा सकती हूँ आपको, तैयार। और अब करते हैं पूजा की तैयारी स्टार्ट, तो चलिए दिखाती हूँ कैसे करती हूँ। हाँ ये तो घर ही लेके हाँ, जाऊंगी, तभी तो वो फिर तभी तो ये करेंगे। हाँ पूजा हो गई है मेरी, और मनराज ने मेरी हालत कर दी है बिल्कुल खराब। पूजा हमारी यहाँ पर होगी कंप्लीट, और भाभी आई थी, भाभी के साथ आज मैंने पहली बार पूजा करी है। मनराज ने कर दिया हालत खराब। ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये। और मासी ने सुबह से हाई नहीं करी, हेलो मासी तुम भी दिखा दो मुंह अपना। हेलो। और इनकी छोटी वाली गुड़िया आई है, हेलो करो, मीठी हेलो तो कर दो। हाय। अब तुम अपना वीडियो देखना, तुम अपना देखना, हेलो करना देना, ठीक है। इन लोगों को, बच्चों को पता है कि मैं वीडियो डालती हूँ, तो जैसे ही मेरा मोबाइल देखते हैं तभी कहते हैं अरे भाभी आप डालोगी ना वीडियो, डालोगी ना हम आएंगे आपकी वीडियो। पिछली बार आए थे ना उस पर कन्या पूजने पे, तो कह रहे अरे चुप हो जाओ चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी वीडियो नहीं आएगी, वीडियो डालती है। तो पूजा हमारी होगी है कम्प्लीट, सॉरी अगर पूजा मैं नहीं प्रॉपर दिखा पाई हूँ, तो बाकी तैयार मैं हो गई हूँ, जैसी भी हूँ अभी यही हूँ। और आज का ब्लॉग मैं यही कट कर रही हूँ, इससे आगे मेरी हिम्मत नहीं है ब्लॉग करने ऊपर की। पड़ जाएगा और अभी अभी। मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ पानी पीऊंगी, हमारे में यही होता है पूजा करने के बाद हम लोग कुछ खा नहीं सकते, बस पी सकते हैं, जैसे पानी हो गया, चाय होगी, दूध हो गया, उसको बार बार नहीं पीना, एक ही बार में हम ऐसे एक सांस में पी सकते हैं। और लुक कैसी लग रही है जरूर बताना। मैंने एक गलती कर दी, मैंने हाई नेक वाला बनवा लिया ये गला, जिसकी वजह से मुझे ये वाला सेट पहनना पड़ा, पहनना मुझे दूसरा था पर ये पहनना पड़ा। तो ठीक है, मेहंदी ये रही मेरी, नोनी नोनी बन गई।
और ये वाली तो हमने सुबह ही लगाई थी, फिर भी सही आ गया ना कलर इसका। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। सुबह पैरों में लगाई थी, पैर नहीं दिखाने वाले, अच्छे नहीं है पैर, छोड़ो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़। ठीक है, मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। क्वालिटी थोड़ी सी जा रही है यार, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, फिर दोबारा से अगेन कह रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो बाय बाय और हैप्पी करवा चौथ सबको, बाय। कैसा रहा, कहाँ गए, कैसा रहा आज का दिन? बस सही है। चलिए बाय।